हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच साबुत धनिया, साथ ही में लिया है 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च। तो अभी साबुत मसालों को हम रोस्ट कर लेंगे। लगभग 1 मिनट हो चुका है, अभी हम डाल देंगे 1 से 2 तेज पत्ता और अभी इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। मसाले अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और इनको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हमारा रोस्टेड मसाला बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर हमने लिया है 2 कच्चा आम, अभी इनको छील लेते हैं। आम के छिलके हमने निकाल लिया है, अभी इनको कद्दूकस कर लेते हैं। आम को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो अभी कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल गरम हो चुका है, अभी हम डाल देंगे 2 चम्मच चॉप्ड किए हुए अदरक और हरी मिर्च। अदरक और हरी मिर्च हल्का फ्राई हो चुके हैं, अभी हम डाल देंगे कद्दूकस किए हुए आम। लगभग 1 से 2 मिनट हो चुका है और आम थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुके हैं, अभी हम डाल देंगे मैश किए हुए आलू। 4 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके मैश करके लिया है। आलू डालने के बाद अभी हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी, स्वाद अनुसार नमक, छोटा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 से 3 चम्मच रोस्टेड मसाला। तो अभी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अभी हम डाल देंगे और 1 चम्मच रोस्टेड मसाला और अभी इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो पहले हमने 2 चम्मच रोस्टेड मसाला डाला था और अभी लास्ट में हम डाल देंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला। तो देखिए हमारा स्नैक्स का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अभी गैस को बंद कर लेंगे और इनको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अभी इससे हम चॉप बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए हमने पहला वाला बना लिया है, अभी ऐसे ही बाकी भी बना लेंगे। तो अभी चॉप को फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच मैदा और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से पानी के साथ घोल के मीडियम कंसिस्टेंसी का एक बैटर बना लिया है। अभी पहला वाला चॉप लेंगे और इस बैटर में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। अच्छी तरह से इस बैटर में डिप करने के बाद चॉप को हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में और ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो ब्रेड क्रम्स के बदले टोस्ट बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद इसको फिर से हम मैदा और कॉर्नफ्लावर के बैटर में डिप कर लेंगे और डिप करने के बाद फिर से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ऐसे ही सारे चौथ हम बना लेंगे। तो अभी एक एक करके चॉप हम फ्राई कर लेंगे। चूल्हे पर हमने कढ़ाई में तेल पहले से ही गरम करने के लिए बिठा दिया था। तेल गरम हो चुका है। अभी एक एक करके चॉप डालेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो पहला वाला चॉप अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अभी इसे तेल से निकाल लेते हैं और ऐसे ही सारे फ्राई कर लेंगे एक एक करके। अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम चैनल पर अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।